दिस इज अक्का महादेवी। ये अक्का महादेवी हैं, एक और स्त्री संत। उनकी शादी एक राजा से हुई थी और 9 साल की उम्र में किसी अनजान गुरु ने उन्हें दीक्षा दी थी। ये भक्ति आंदोलन का असर था जिसने सभी जंजीरें, सभी धारणाएं तोड़ दी कि ईश्वर को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। किसी ने ईश्वर को अपने बच्चे के रूप में देखा, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने पति के रूप में, किसी ने पत्नी के रूप में, किसी ने प्रेमी के रूप में, कई रूपों में, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ईश्वर को सेवक के रूप में भी देखा। आप उससे जो चाहे संबंध जोड़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि महत्वपूर्ण बस ये था कि आप संबंध जोड़ने में सफल हों। किसी चीज से संबंध जोड़े बिना आपकी भावनाएं नहीं उभरेंगी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप अपनी भावनाओं को मधुरता के एक स्तर तक पहुंचाएं और उसे बरकरार रखें। अगर आप मधुरता के उस स्तर को कायम रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवन का बोध संवेदनशील हो जाएगा और वास्तविकता के अनुभव की संभावना के प्रति एक खुलापन आ जाएगा। तो When some of the poetry, कुछ कविताएं खुद को तीव्र बनाने का एक तरीका है, कुछ कविताएं अनुभूति की एक अभिव्यक्ति है। जब एक हृदय दूसरे को छूता है और महसूस करता है तो क्या यह एहसास सबसे बढ़कर नहीं हो जाता? फिर क्या वो किसी मर्यादा को सहन कर सकता है? माँ, तुम जरूर पागल हो, मैं अपने भगवान के प्रेम में पड़ी हूँ, जो चमेली की तरह श्वेत हैं, मैंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। जाओ जाओ, मैं अब तुम्हारी माँ बेटी वाली कोई बात नहीं सुनूंगी, अब तुम जाओ। तो ये युवा स्त्री अपने पति के घर से बाहर निकल गई, क्योंकि उसके पति ने कहा कि तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, तुम्हारे गहने, ये महल जिसमें तुम रहती हो, जो कपड़े पहनती हो, ये मेरा दिया हुआ है। वो बोली, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहती, और वो सब कुछ त्याग कर निर्वस्त्र बाहर निकल गई। उसकी माँ ने जाकर उससे आग्रह किया, होश में आओ, समाज के नियमों के मुताबिक चलो। इसलिए वो बोलती है, अब मैं ये माँ बेटी वाली कोई बात नहीं सुनूंगी, अब तुम जाओ, क्योंकि मैं शिव के प्रेम में पागल हो चुकी हूं।